भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने 14 वर्ष क्यों लगाए अपने माता पिता को आज़ाद कराने में। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागार में गए और माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, फिर तुमने 14 साल कंस को मारने और हमें यहाँ छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्ष के वनवास में नहीं भेजा था। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और फिर पूछा, बेटा कृष्णा ये कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप रानी केकई थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और अधिक आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जन्म में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था वो उनको इस जन्म में मिला, अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्युलोक में अपने कर्मों को भोग भोगना ही पड़ता है। और ऐसी रहस्यमयी बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।